अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इशित किचन में आपका बहुत ही बेहतर वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब कैसे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पास्ता की रेसिपी, पर मैं आज बहुत ही सिंपल सा इजी सा पास्ता बनाने वाली हूँ। मैं आज घर के कोई मसाले यूज नहीं करूँ, कुछ भी नहीं करूँगी। मैं देखिए ये लेकर आई हूँ, ये पास्ता का मैं पैकेट लेकर आई हूँ, मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। तो मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ कि ये कैसा बनेगा, और मुझे पता भी नहीं कैसे बनेगा, जो इंस्ट्रक्शन के पीछे लिखे हैं मैं वही फॉलो करूँगी और वैसे ही बनाऊंगी। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ मैं इसकी रेसिपी की, ये कैसे बनेगा, और आप भी ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपका पास्ता कैसे बना। वैसे तो हम कुछ मसाले अपने हाथ से ऐड नहीं कर रहे, ये जैसा ही बनेगा सबका ही सेम बनेगा, क्योंकि इसमें जो टेस्ट मेकर है हम वही ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपने पास्ता बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमने ये पास्ते का अपना मैगी पास्ता चीज मैक्रोनी ली है। इसके पीछे सबसे पहले तो लिखा है कि हमें 270 ml पानी लेना है। तो चलिए ये देखिए, मैंने ये पॉट लिया है जिसमें पानी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने पानी तो मेजर करके ले लिया था, आप भी मेजर करके ले लीजिएगा। अब ये अपने पॉट में ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चलिए अब हम अपने पैकेट को ओपन करते हैं। और ये चलिए जो हमारी मैक्रोनीज है ये हम अपने पानी में ऐड करते हैं। और ये देखिए, इसी के पैकेट में ये था टेस्ट मेकर, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। मैं सेम इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही हूँ जिसके पैकेट के पीछे लिखे हैं। और चलिए ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसा उस पर लिखा था मैंने सब चीज़ मिक्स कर दी है। अब हम अपनी गैस ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाह। और अब हम गैस पे रख देंगे अपना ये पॉट, और जब तक इसमें बॉईल नहीं आता है हमें इसको हाई फ्लेम पर ही रखना है। जैसे इसमें बॉईल आ जाएगा हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे, और फिर हमें इसे 5 मिनट पकाना है। तो चलिए इसमें बॉईल आने देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉईल पे आ चुका है, तो हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और इसे हमें लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाना है। पर बीच बीच में एक दो बार हम इसको चला देंगे और 5 मिनट में हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा, और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास्ते को पकते हुए 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए 5 मिनट में माशाल्लाह हमारा पास्ता भी गल चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, जैसे कि हमें पास्ते की ऑलमोस्ट पसंद आती है, ना ज़्यादा लिक्विडी है ना ज़्यादा थिक है। तो चलिए हम गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं, उसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको सर्व करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म हमारा पास्ता तो रेडी हो गया। मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ आपको ये कैसा बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इतने इंस्टेंटली इतना अच्छा मुझे पास्ता खाने मिलेगा, पर ये खा के मुझे तो मजा आ गया है। तो आप भी जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही यम्मी बना है। और बस जैसे ही हमें छोटी सी भूख लगे हम इसके पैकेट लाके घर में जरूर रखेंगे, क्योंकि ये बहुत यम्मी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा, जरूर बना के खाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी है। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, मुझे तो मजा आ गया खा के। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।